एक से तीन अक्टूबर तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली नेशनल स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए राज्य स्वात संघ बिहार से 10 सदस्यीय टीम रवाना हो चुकी है। ये सभी खिलाड़ी फ्रेंच बॉक्सिंग के औसत फाइट में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच के तौर पर राज्य स्वात संघ बिहार के महासचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव शामिल होंगे, जिसके लिए चैंपियनशिप में जा रहे सभी खिलाड़ियों व कोच को परफेक्ट वास्तु कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा फ्रेंच बॉक्सिंग जर्सी स्पॉन्सर की गई। फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों को राज्य स्वास्थ्य संघ फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे सभी खिलाड़ियों को राज्य स्वास्थ्य संघ बिहार के अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह ने अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों में सृष्टि भारद्वाज, अनुष्का अभिषेक, उपासना आनंद, सनी कुमार, नासिर फिरोज, रोहित कुमार प्रजापति, सनी कुमार, हिमांशु राज, तेजस राज शामिल है। दिनांक 1 से 3 अक्टूबर तक चंडीगढ़ में आयोजित होने वाली नेशनल स्वात चैंपियनशिप 2023 के लिए राज्य स्वात संघ बिहार से 10 सदस्यीय टीम आज रवाना हुई। यह सभी खिलाड़ी फ्रेंच बॉक्सिंग के असौत फाइट में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच के तौर पर राज्य स्वात संघ बिहार के महासचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जा रहे हैं। चैंपियनशिप में जा रहे सभी खिलाड़ियों व कोच को परफेक्ट वास्तु कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा फ्रेंच बॉक्सिंग जर्सी स्पॉन्सर किया गया। खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। महिला वर्ग में सृष्टि भारद्वाज, अनुष्का अभिषेक एवं उपासना आनंद। पुरुष वर्ग में सन्नी कुमार। मुजफ्फरपुर क्लब में संगमन 25वां समारोह का आयोजन 3 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने जा रहा है। कला में लोक और अभिजाति का द्वंद्व विषय पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 50 बुद्धिजीवियों, रचनाकारों, कलाकारों व स्थानीय प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत की जाएगी। समारोह का स्थानीय संयोजन यशवंत पाराशर एवं संगमन का संयोजन प्रिय वंद द्वारा किया जा रहा है। इस संस्था का भौतिक स्वरूप एक ऐसे ढांचे से बना है जो अलग और पारदर्शी है। इसमें किसी पदाधिकारी, बैनर, बैंक अकाउंट, स्थायी या अस्थायी संपत्ति न होना संस्था को विशिष्ट बनाता है। संस्था का ये प्रारूप तथा इसका आंतरिक प्रबंधन इतना लचीला है कि इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में आयोजित किया जा सकता है। अक्टूबर 1993 में कानपुर से आरंभ होने वाली श्रृंखला में ये विमर्श अब तक देश के 22 नगरों महानगरों तक पहुँच चुका है। तमाम संस्थाओं में पैसे के लिए होने वाली कटुता से बचने के लिए मंच का कोई बैंक अकाउंट और कोच भी नहीं होगा। मंच से जुड़े लोग ही अपना अंशदान देंगे और साहित्य, कला या अन्य सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति निष्ठावान लोगों से ही यथासंभव आयोजन के लिए सहयोग लिया जाएगा। आयोजन के दौरान सभी कार्यक्रम को आधिकारिक अनौपचारिक रखने का निर्णय लिया गया, जिसमें कोई अध्यक्ष और मुख्य अतिथि, फूलमाला और दीप प्रज्वलन, पुस्तक विमोचन, सरस्वती वंदना जैसी औपचारिकताएं नहीं होंगी। संगमन परिवार की पारस्परिक आत्मीयता, सक्रियता व सहयोग ही संगमन का मुख्य आधार है। हमारी परंपराओं का, उत्सवों का, वो सब कहां जाए, उसके लिए कौन सा मंच है, वो इस संकट से कैसे निपटे, अपनी पहचान कैसे बनाए। लिट फेस्ट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये क्या है? ये पूरी तरह एक अभिजाति ने साहित्य को अपने ढंग से अपने अप्रोप्रिएट करना जिसको कहते हैं, अपने अनुकूल करना जिसको कहते हैं, अपने शिकंजे में लेना जिसको कहते हैं, ये वो है। इसमें कॉरपोरेट भी शामिल होता है, इसमें बड़े प्रकाशक भी शामिल होते हैं, उसमें वो सब लेखक भी शामिल होते हैं, उसमें आते हैं, बोलते हैं, जो वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन जो किसी गाँव में, जो मुजफ्फरपुर के पास के किसी गाँव में लिख रहा है, उसको लिट फेस्ट का निमंत्रण कभी नहीं आएगा, वो उस तरह प्रचार में नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि वो लोग कहाँ जाएं। हमसे अभी सवाल किया इन्होंने कि आप छोटे शहरों में क्यों करते हैं संगमन, इसीलिए करते हैं। हमारा मंच उन लोगों के लिए, आप संगमन के मंच पर आइए, आप बोलिए, बात करिए, अपनी बात पहुंचाइए। और हमारा परिवार संगमन का बहुत बड़ा है। 25 संगमन में हमारे पास कम से कम 200 ऐसे लेखक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और युवा लेखक सब पिछले 25 वर्षों में जो आए हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो ये वही कोशिश है। किसी की कमी नहीं है, सारी भौतिक सुख सुविधा है, उनकी संस्कृति, उनके मनोरंजन के साधन या उनके जो क्रियात्मक या रचनात्मक उपलब्धियां हैं, जो गतिविधियां हैं उसमें, और जो नहीं है उस उतना उस क्लास का, उस वर्ग का जिसको उतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है, वो वहाँ से थोड़ा सूचना के मेन स्ट्रीम से भी बाहर रहता है। विकास से तो बाहर देश का बड़ा हिस्सा है। इन सब में क्या फर्क है? उसीलिए हमने लोक और अभिजाति का मतलब है, अभिजाति वो संभ्रांत वर्ग है, जो किसी भी तरीके से संभ्रांत हो, आर्थिक रूप से हो सकता है या सुविधाओं के मामले में हो, बड़े शहरों में रहने के मामले हो, छोटे शहरों में रहने के मामले हो,
और माइक्रो लेवल पर देखे तो एक गांव में भी संभ्रांत और एक अभिजात्य होता है। तो ये सब जो द्वंद है इस पर परिचर्चा है, क्या दोनों साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, ये दोनों के लिए दो अलग अलग चीजें उपलब्ध होती हैं, होनी चाहिए, ये कोई समस्या नहीं है। इन्हीं विषयों पर हम लोग लंबी चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें देश हर क्षेत्र के कोई एक किसी वाद के लोग नहीं आएंगे, सभी तरह के लोग आएंगे, और इसको हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य से लेके रचनात्मक कलात्मक परिप्रेक्ष्य सब। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड एफिलिएटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO।